महादेव कहते हैं कि कई बार सच पता होने के बावजूद भी हम जताते नहीं हैं, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि सामने वाला किस हद तक गिर सकता है। अपना बोझ खुद उठाना सीखें। दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो हमेशा ठोकर ही मिलेगी। आपके साथ वो हमेशा होता रहेगा जो आप अपने साथ होने देंगे। एक मर्द जो किसी औरत के पीछे अपने करियर को दांव पर लगा देता है, वो अंत में इन दोनों को ही खो देता है। ना उसको प्यार मिलता है, ना ही वो अच्छा करियर बना पाता है। आप जिससे बात करने के लिए हर वक्त उत्सुक रहते हो, कुछ दिनों के लिए उसका दरवाजा खटखटाना बंद कर दो, फिर देखना वो इंसान आपको याद भी नहीं करेगा। हाँ, माना कि मुझे चालाकियां करना नहीं आती, पर ध्यान रखना, मुझे दूसरों की हर चालाकी अच्छे से समझ आती है। जीवन में कभी खुद को इतना कमजोर मत होने देना कि आपको दूसरों के एहसान की जरूरत पड़ जाए। लोगों की सोच और पैर की मोच तब तक ठीक नहीं होती जब तक अच्छे से सिखाई ना हो। छोड़ दो लोगों से उम्मीद करना। जो आपके लिए सही होगा वो आपका ईश्वर और आपके कर्म अपने आप आपको दे देंगे। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि इंसान का किया सब उसके पास लौटकर जरूर आता है। कभी अकेले में बैठना, जिंदगी और लोग दोनों अच्छे से समझ में आ जाएंगे। रास्ता एक बार भूलने की बजाय दो बार पूछकर चलना बेहतर होता है। यदि दूसरों को अपनी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा अहमियत दोगे तो आपकी कीमत का कम होना बिल्कुल तय है। रिश्तों का स्वाद हर रोज बदलता रहता है। मीठा, नमकीन या खारा बस इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने रिश्तों में हर दिन क्या मिला रहे हैं। दुनिया की कोई भी आदत तो बहुत जल्दी लग जाती है, चाहे वो इंसान की हो, नशे की हो या कोई और आदत हो, लेकिन वो आदत छूटने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। जिसके साथ आपको पूरी जिंदगी बितानी है उससे कभी झूठ मत बोलना। ये सच्चे लोग ही अक्सर सबसे ज्यादा अकेले ही रहते हैं। जिंदगी में आराम छोड़ना पड़ता है अगर आराम कमाना चाहते हो तो। वक्त पर भरोसा रखो, हर चीज किसी न किसी वजह से ही होती है। हर ठोकर इस बात की चेतावनी देती है कि अब संभल जाओ। दौलत भीख मांगने पर भी मिल जाती है, लेकिन इज्जत कमानी पड़ती है। धोखा नजरिए का है साहब, वरना हर गलत आदमी भी कहीं ना कहीं सही जरूर होता है। जिस इंसान के अंदर अपने कल को बेहतर बनाने की आग छुपी हुई है, उसे दुनिया की कोई ताकत कभी हरा नहीं सकती। मासूम लोग बेवकूफ नहीं होते, वो तो बस ये मान लेते हैं कि हर किसी का मन उनकी तरह एकदम साफ है। कुछ बातें आपको तब तक समझ नहीं आती जब तक कि वो आपके साथ नहीं होती। हमारे देश में गरीब ज्यादा नहीं है, बल्कि गरीबों का हक खाने वाले बहुत ज्यादा हैं। जो लोग मुंह पर सच बोल देते हैं, सबसे अधिक नफरत का पात्र भी वही बनते हैं। जज्बात, जेब और जूता हमेशा मजबूत रखिए, क्योंकि आजकल इंसान सीधे मुंह सुनता ही नहीं है। फर्क तो उन्हें पड़ता है जिनके पास अकेले सिर्फ आप हो। उन्हें आपके होने या ना होने से क्या फर्क पड़ेगा जिनके पास आप जैसे हजारों लोग हो। जिंदगी में अगर एक दिन अपने आप पर गर्व करना है तो आज बिल्कुल भी हार मत मानना। चापलूसी और छल कपट की कला को आज के समय में होशियारी कहा जाता है। तुम सिर्फ पैसे कमाओ, लोग रिश्ते आपसे खुद ही बना लेंगे। कर्ज लेकर परेशान वही होता है जो कर्ज को चुकाने की सोचता है। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे रिश्ते टूट जाएं या कोई साथ छोड़ के चला जाए। आजकल लोग इतने गिर गए हैं कि वो बस फायदा उठाना ही जानते हैं। आप जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाएंगे, लोग उतना ही ज्यादा आपका दिल दुखाएंगे। आपके जज्बात आपके वक्त और पैसों से भी ज्यादा अहमियत रखते हैं, इसलिए उन्हें वहीं खर्च करो जहां उनकी कदर हो।
खुद को दूर रखना दुनिया की चाल से। यहां किसी को फर्क नहीं पड़ता हमारे अच्छे या बुरे हाल से। लोग भले ही पहचानते नाम से हों, लेकिन याद तो इंसान के स्वभाव को ही रखा जाता है। अरे आदमी तो दुख में काम आना चाहिए, खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। गलत लोगों से ज्यादा सजा तो आज की दुनिया में शरीफ लोगों को मिलती है। जिंदगी में गलत लोगों के आने का कभी अफसोस मत करें, क्योंकि गलत लोग भी आपको कोई ना कोई सही सीख देकर ही जाते हैं। सम्मान चाहे सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला आपको देता है। तेरे बदल जाने का कोई दुख नहीं है मुझे, मैं तो बस अपने भरोसे पे शर्मिंदा हूं। कई बार आप किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं समझ पाते जब तक वो चीज आपकी जिंदगी से चली नहीं जाती। दुख दिमाग की उपज है, आप जितना सोचोगे दुख उतना ही बढ़ता जाएगा। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखना वो इज्जत पैसे की है, तुम्हारी नहीं। पहले डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, अब डर लगता है कहीं मैं ही कुछ उन्हें सुना न दूं। बेवफा औरत हर जगह मुंह मार के खुद को हीरोइन समझती है, लेकिन असल में वो एक ढोलक है जो हर जगह बजाई जा रही है। इंसान के पास जब बहुत रुपया हो जाता है तब इंसान बहु रुपया हो जाता है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ देता है, वो इंसान आपका अपना कभी नहीं हो सकता। अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों में रहने से कई गुना बेहतर है। ये कलयुग है जनाब, यह कसम खाने वाला नहीं शराब पीने वाला ज्यादा सच बोलता है। जब किसी का मन ही अंधा हो जाए ना, तो उसकी आंखें किसी काम की नहीं रहती। औकात से ज्यादा इज्जत दे दी जाए तो कुत्ते काटने पर उतर आते हैं। इस दुनिया में इंसान ने झूठ बोलना तब सीखा जब उसे सच बोलने की सजा मिलने लगी। लकड़ी के कीड़े पूरी कुर्सी को खा जाते हैं और कुर्सी के कीड़े पूरे देश को खा जाते हैं। जवानी की उम्र में जो इंसान अपनी मनपसंद चीजों की कुर्बानी दे सकता है, वही इंसान जिंदगी में कामयाब इंसान बनता है। जैसे ही लगता है कि जिंदगी समझ आ गई है, पता नहीं कहां से जिंदगी कुछ ऐसा दिखा देती है जो हमने सपने में भी नहीं सोचा होता है। दुनिया में 90% लोग एक पिंजरे में कैद हैं और उस पिंजरे पे लिखा है कि लोग क्या कहेंगे। लोग आपकी उसी खूबी से जलते हैं जिसकी उनके अंदर कमी होती है। गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन जानबूझकर तकलीफ देने वालों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। हकीकत जान जाओगे तो सब पराए लगेंगे, इसलिए मन में यह वहम ही पाल के रखो कि सब अपने हैं। जिंदगी ने मुझे इतना तो सिखा दिया है कि किसी से भी किसी भी तरह की उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार है। आपके साथ कितना भी छल हुआ हो, कितना भी धोखा हुआ हो, लेकिन अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो आप जिंदगी में हमेशा कामयाब रहोगे। आज के जमाने में तब तक किसी के पास किसी के लिए समय नहीं होता जब तक उसको सामने वाले से मतलब नहीं होता। अगर आप जिंदगी में चुप रहना सीख जाओगे तो आपको बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा। मुझे अपनी जिंदगी में कोई भी ऐसा शख्स नहीं चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में चुपचाप मेरे खिलाफ बातें सुन ले। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर भी पिघल जाते हैं, गैरों से क्या गिला करना जब अपने ही बदल जाते हैं। इस जमाने में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे। वास्तविकता में मजाक चालाकी से किया गया अपमान होता है। जिंदगी में बुरे वक्त का आना भी बहुत जरूरी होता है, वरना अपनों का नकाब ओढ़े गैरों का भी पता नहीं चलता। याद रखना, चालाकी 4 दिन चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर। एक गलत इंसान किसी के भी बारे में कभी सही नहीं सोच सकता।
भीड़ में उन्हीं चेहरों को पहचाना जाता है जिन्होंने अपनी पहचान बना ली है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वो इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या, जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की जरूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट ही नहीं, कदर ही नहीं, तो उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या। जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर की ये तकरार किसके लिए। जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानिए उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो, अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो, वो अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। कोई तो ऐसी बात करो जिससे पता चले कि तुम मेरे हो। किसी को इग्नोर करने में और बिजी रहने में बहुत फर्क होता है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती इसमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। खुदकुशी स्वीकार करने वाला समाज खुद की खुशी से की गई शादी कभी स्वीकार नहीं कर पाता। किसी की अगर आदत देखनी है ना तो उसे इज्जत दो, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना, मैं प्यार और वार वक्त आने पर दोनों करना जानता हूँ। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। चेहरा साफ, दिल में दाग, मुंह पर आप और पीछे सांप, बस यही दुनिया का सच है। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आज के दौर का वही रब है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। कर्म कितने भी गंदे क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। ये कलयुग है साहब, यहाँ बुरों के साथ बुरा हो या ना हो, पर अच्छों के साथ बुरा जरूर होता है। कुछ लोग मतलब के लिए ही हर रिश्ता जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वो समझते हैं कि उनसे ज्यादा चालाक कोई नहीं, पर हकीकत में वो खुद अपनी किस्मत फोड़ते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, क्यों पकड़ कर रखना है। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। एक बार जब आपको लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हैं तो उन्हें फिर कभी परेशान मत करो। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियां भी ठुकरा देता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना आपको ये देखने का मौका भी मिलेगा। अपना वो होता है जो किसी और के लिए आपको नजरअंदाज न करे। अरे कदर करनी है तो जीते जी करो, अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर आप बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई भी नहीं है। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहाँ रिश्ता खत्म कर देना ही सही होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती है। इसीलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका और कोई नहीं हो सकता। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं है, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, फिर जल्दी से मान भी जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग रब को बहुत पसंद आते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं होता, पर हमसे गलती ये होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्द का भी एक अपना स्वाद है, बोलने से पहले खुद चख लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। दिल तो अभी भी जिंदा है, बस अब फीलिंग्स मर गई हैं।
कर दिया आजाद उनको जो हमारे दिल में रहकर बाप किसी और के देखते थे। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना कि उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सिखा ही देंगे। वो लोग आखिर में छूट ही जाते हैं जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उस दिन से वो इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। इश्क इतना ही करे जिंदगी में कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक न बने। माना मोहब्बत जरूरी है, लेकिन इज्जत से ज्यादा कभी भी नहीं। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, पर किसी के लिए जरूरी होना बहुत खूबसूरत होता है। जिस्म पर जख्म दे दोगे तो चलेगा, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। खुलकर जीना हो तो कभी किसी पे मत मरना। ये मोहब्बत का नया दौर है, जहां आज आप हो वहां कल कोई और है। जिंदगी मोह से शुरू होती है और मोह भंग होने पर खत्म होती है। किसी को फोर्स मत करो कि वो तुम्हें याद करे। कुछ दिन खामोश रहकर देखो कि उसकी लाइफ में आपकी कितनी वैल्यू है। चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन जब आपके साथ अन्याय हो तब आपको अपने हक के लिए जरूर बोलना चाहिए। झूठ सुनने में भी मजा तब आता है जब सच आपको पहले से ही पता हो। हम डर के नहीं, सब कुछ करके बैठे हैं। कहीं भी फिट हो जाने को लाइफ सेट होना नहीं कहते। जहां आपको हर बार एडजस्ट करना पड़ता हो, तो समझ लीजिए आप वहां के लिए बने ही नहीं हैं। आपके इरादे इतने कमजोर कभी नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। जगह जगह प्रयास करने से अच्छा है एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और लगन से काम किया जाए। देखना, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हों तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। कोई अगर आपसे कहे कि आप बदल गए हो, तो 95% चांसेस ये हैं कि आपने सिर्फ वो चीजें करनी बंद कर दी हैं जो उन्हें आपसे चाहिए थी। बाकी आप में कुछ नहीं बदला। लौटते वो लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं। टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वो बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर न जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं, लेकिन यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पे काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में। अभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में। मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। मुझे ना झुकने का शौक है, ना झुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। दिखते तो यहाँ सभी इंसान हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। फिर से उसी मोड़ से शुरू करनी है जिंदगी, जहाँ सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हो, तो आप लोगों को ज्यादा पसंद आने लगते हो। अरे, मन होना चाहिए किसी से बात करने का, वक्त तो अपने आप मिल जाता है। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। ये दोनों ना दोबारा आते हैं ना दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना,
जो आपके सामने आपके साथ हैं और आपके पीछे आपके खिलाफ हैं। अभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है और ये प्यार कभी मत करना, ये मेरी सलाह है। इतने अफसोस की बात है, जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। ना हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए, और ना वक्त दो इतना किसी को कि उसको गुरूर हो जाए। करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं, और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती है, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरा वो जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता है। जीवन में आप अपने आप को मजबूत बनाइए, दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूँ। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। जिंदगी में चाहे आप 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार फेल हो जाओ, पर कसम खा लो कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, अगर यहाँ जिसे अपना दर्द बताओ वही मजा लेता है। सबको अच्छा समझ लेना ये मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की यहाँ किसी को कोई कदर नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतोष नहीं होगा। दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जितनी गिराओगे, लोग आपको उतना ही और मजबूर करेंगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है। बस यही फर्क है हम दोनों में, वो हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। वो तुम नहीं, मेरी उम्मीदें थी जिसने मेरा सबसे ज्यादा दिल दुखाया था। प्यार वादों से नहीं एहसास से कायम रहता है। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। चाहे कोई कितना भी आपका अपना हो, लेकिन सबसे पहले वो अपना फायदा ही देखता है। अक्सर गुम हो जाया करते हैं पुराने रिश्ते एक नए रिश्ते में बन जाने के बाद। कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। बदलना तो तय है, हर चीज बदलती है। किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन बदल जाते हैं। लोग इत्तफाक से सिर्फ मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते सब अपनी मर्जी से हैं। भूलना सीख लीजिए जनाब, इसी में आपका फायदा है, क्योंकि ये दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान ही खत्म हो जाता है। चरण उनके छूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हों। किसी की आदत होना मोहब्बत होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जो चीज आसानी से मिल जाती है ना, इंसान उसकी कभी कदर नहीं करता। मतलब के रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उतने ही जल्दी टूट भी जाते हैं। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, इंसान खोता तब है
जब वो अकेला होता है। कमजोर होते हैं कुछ इंसान, जहां गुस्सा आना चाहिए वहां पर रो देते हैं। कभी कभी बहुत कुछ होता है बोलने को, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। मैंने कभी किसी को आजमाया ही नहीं, जितना प्यार दिया उतना प्यार कभी पाया ही नहीं। किसी को मेरी भी कभी कमी महसूस हो, शायद खुदा ने ऐसा मुझे बनाया ही नहीं। आप चाहे कितना भी शिद्दत से निभा लो रिश्ते, लेकिन बदलने वाला इंसान फिर भी बदल जाता है। भूलने वाले तो सारे बच गए, मर तो वो गए जो अपनी मोहब्बत को भुला न सके। सच्चे दिल से टूट कर चाहने वाले आखिर में अक्सर खुद ही टूट जाते हैं। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, रिश्तों और हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, आपकी पूरी जिंदगी सुंदर हो जाएगी। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है कि सच बोलकर आप मना कर दो। जिंदगी में गलत फहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लें। दुनिया को देख कर अगर फैसले करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। जिंदगी होती तो अपनी ही है, पर इसे जीना दूसरों के लिए पड़ता है। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करते हैं, इसलिए धागे को लपेट कर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। आप क्या हैं ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप में क्या है ये बहुत जरूरी है। बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथ में है। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। यहाँ हर एक शख्स मुसाफिर है, एक दिन यादों से भी चला जाता है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद आता है। लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखो, वरना हमेशा उदास रहोगे और लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपकी तबाही को देखकर बहुत खुश होते हैं। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है और हम इंसानों पर कर लेते हैं। अब मुझे तकलीफ नहीं होती, चाहे कितनी ही ऊंचाइयों से मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन था। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ देता हो, वो आपका कभी नहीं हो सकता। आपका विश्वास चट्टान भी हिला सकता है और आपका शक आपके रिश्तों में चट्टान खड़ी कर सकता है। आप कभी ये मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचो कि आप अकेले ही काफी हो। जाया ना करो अपने अल्फाज हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देखो कि आपको समझता कौन है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान दर्द सहना भी सीख जाता है। रूठने का हक तो अपने ही देते हैं, परायों के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है। किसी को चाहना गलत नहीं होता, लेकिन किसी को चाहकर छोड़ देना बहुत गलत होता है। मैं जब डूबा तो समंदर को भी हैरत हुई कि अजीब शख्स है, किसी को पुकारता ही नहीं। जो इंसान हमेशा खामोश रहता है वो अपनी खामोशी में भी सब कुछ कह जाता है।